मैनपुरी की बिछवा पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर छात्राओं के अश्लील फोटो वायरल और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान बबीना निवासी राहुल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। सीओ अमर बहादुर ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक पीड़ित छात्रा ने शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि किसी अज्ञात युवक ने उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो और वीडियो अपलोड की है। पीड़िता ने बताया था कि उसने कोई आईडी नहीं बनाई। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एएसपी के नेतृत्व में घटना को खुलासा करने के लिए टीमें बनाई गई थी। इसी दौरान क्षेत्र अधिकारी भूकंप और साइबर सेल के निर्देश पर आरोपी राहुल निवासी बबीना को गिरफ्तार कर लिया। आज साइबर सेल मैनपुरी तथा थाना बिछवा ने बड़ी सफलता हासिल की है। एक युवक जिसका नाम राहुल है, ये इंस्टाग्राम पे एक लड़की का फोटो यूज करके फर्जी आईडी बना लिया था तथा उस पर अश्लील कमेंट करता था, जिससे काफ़ी परेशान थी। उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। इसी तहत ये कार्रवाई की गई है। उस लड़के को पकड़ा गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ साइबर सेल ने दो और अच्छे काम किए हैं। एक प्रिया वर्मा, पुत्री रामकृष्ण वर्मा है, जो जगत नगर भोगांव के रहने वाली हैं। इनका किसी ने UPI बनाकर 14,000 रुपया निकाल लिए थे। साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके 5,000 वापस कराए हैं। दूसरा एक आजम खां है, पुत्र तारिक, जिनका 4,750 रुपया फ़ोनपे के माध्यम से फ्रॉड हुआ था, उनका भी पैसा सकुशल वापस कराया गया। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा काम रहा है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी प्रसन्नता जाहिर की है और इनको पुरस्कृत करने के लिए घोषणा की है।